नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप, यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, हमारा ये चैनल टेक्निकल चैनल है जिसके अंदर टेक्निकल वीडियोस हम अपलोड करते हैं, जिसमें थ्योरेटिकली भी होती हैं स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रैक्टिकल भी होती हैं, साथ में हमारे रिपेयरिंग के वीडियोज़ भी हम इसमें अपलोड करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारा जीनर डायोड पे है। आज हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझेंगे कि जीनर डायोड जो है वो कैसे काम करता है और जीनर डायोड रेगुलेशन कैसे कर पाता है। पहले हम थ्योरेटिकली उस सर्किट को समझेंगे जिससे हम जीनर डायोड को चेक करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली उसको चेक करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे, और बाद में हम समझेंगे थ्योरेटिकली कि जीनर डायोड जो है रेगुलेशन कैसे कर पाता है। तो दोस्तों, जीनर डायोड को समझने के लिए सबसे पहले हम सिंपल यानी कि नॉर्मल डायोड जो हमारा होता है उसको एक बार समझते हैं, जिससे जीनर डायोड को समझने में आसानी होगी। ये हमारा नॉर्मल डायोड है, मान लीजिए 1N4007 4007 डायोड। हमारा जो नॉर्मल डायोड होता है वो काम करता है फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में वो कंडक्शन नहीं करता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? फॉरवर्ड बायस का मतलब हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब हुआ कि अगर कैथोड के रिस्पेक्ट में, कैथोड के रिस्पेक्ट में अगर एनोड पे वोल्टेज ज़्यादा है तब ही वो कंडक्शन करेगा एनोड से कैथोड की तरफ। मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज जीरो है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तब ये फॉरवर्ड बायस है। और अगर यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे अगर 5 वोल्ट है तब भी ये फॉरवर्ड बायस है। यहाँ 5 है और यहाँ पे 7 है तब भी ये फॉरवर्ड बायस है। मतलब कैथोड के रिस्पेक्ट में अगर एनोड पे वोल्टेज ज़्यादा है तो वो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है और वो काम करेगा, सिंपल नॉर्मल डायोड, ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा। और अगर यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है तब ये रिवर्स्ड बायस हो गया और ये डायोड आपका रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं करेगा। ये नॉर्मल डायोड की वर्किंग है। अब ये नॉर्मल डायोड रिवर्स्ड बायस में काम नहीं करता है तो इसके इस ड्रॉबैक को ख़त्म किया गया है जीनर डायोड में। यानी कि जीनर डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है। ये जीनर डायोड का जो है सिंबल है, जैसे जेड हम बनाते हैं वैसे यहाँ पे आपको सिंबल दिखाई देगा, जेड से मिलता जुलता। तो ये जो है आपका जीनर डायोड का सिंबल है। अब ये काम कैसे करता है? फॉरवर्ड बायस में अगर इसको हम कहीं लगा दें कि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो और यहाँ पे कम हो तो उस केस में ये आपका नॉर्मल डायोड कितने काम करेगा, और रिवर्स्ड बायस में भी ये आपका कंडक्शन करता है, उसको हम सर्किट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि रिवर्स्ड बायस में ये कैसे काम करता है। यानी कि ये जो नॉर्मल डायोड है वो हमारा रिवर्स्ड बायस में काम नहीं करता है। अगर हम इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा रिवर्स्ड बायस देंगे तो ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, लेकिन ये आपका जो है रिवर्स बायस में भी कंडक्शन करता है, उसको मैं एक सर्किट के थ्रू आपको समझाता हूँ। अप्लाई कैसे करते हैं और उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं उसके लिए छोटा सा सर्किट मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा कोई डीसी सोर्स है, ये हमने सीरीज रेजिस्टेंस लगाया और उसके बाद ये हमारा लोड है। अब जो जीनर डायोड है हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा ये 12 वोल्ट का है, ये 12 वोल्ट का सोर्स है। ये हो सकता है कि अप डाउन हो 12 से 12.3, 12.4 या 13, 14 या 15 तक भी जाए। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे को इसके अक्रॉस जो लोड है यहाँ पे हमारे को 5 वोल्ट मिले। तो जिनर को अप्लाई कैसे करेंगे? हम यहाँ पर एक जिनर लगा देंगे। यहाँ पे अगर हम जिनर लगा दें 5.1 वोल्ट का या 5 वोल्ट का तो इस लोड के अक्रॉस हमेशा हमारे को 5.1 वोल्ट ही मिलेगी। अब ये एप्लीकेशन इसका हो गया है। और चेक भी कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे मैं 5.1 लगा दूँ तो यहाँ पे आपको 5.1 मिलना चाहिए, यहाँ अगर 9 वोल्ट का जिनर लगा दूँ या 9.1 का जिनर लगा दूँ तो यहाँ पर 9 वोल्ट मिलना चाहिए। ये आप चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जिनर कितने वोल्ट का हमने यहाँ पे लगाया। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ से वोल्टेज अप डाउन भी होगी तो ये आपका 5.1 या 5 वोल्ट का जो भी जिनर है वो इतना ही मिलेगा आपको। अब हम क्या करेंगे, ये रिवर्स बायस में क्यों है?
क्योंकि आपका जो जिन्नर का जो कैथोड है ये एनोड है, कैथोड आपका जो है कनेक्ट है बैटरी सोर्स के पॉजिटिव से, और आपका एनोड जो है वो कनेक्टेड है आपका बैटरी सोर्स के नेगेटिव से, तो ये आपका रिवर्स बैस्ट हो गया, यहाँ कि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल इसके एनोड पे कम है, तो ये रिवर्स बैस्ट में ही अप्लाई होता है जिन्नर डायोड। अब प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है उसको समझें, इससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जिन्नर डायोड को हम एक बार टेस्ट करके देखेंगे। मेरे पास दो तरह के जिन्नर डायोड हैं, 5.1 में भी है आपका, 9.1 में भी है। हम यहाँ पे 12 वोल्ट के आसपास यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस सर्किट के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारा जो है जिन्नर डायोड कैसे काम करता है। मैं जो सर्किट ड्रा करूँगा वो कैसे करूँगा वो आपको मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों कि एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाऊंगा, उसके बाद एक LED लगा लेता हूँ ताकि हमारे को ये दिखाई देता रहे कि हमारा लोड जो है वर्किंग में है। ये रेजिस्टेंस मैं 470 ओम का लूँगा, मेरे पास अवेलेबल है। ये मैं 220 का लूँगा, मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं इस सर्किट को विदाउट जिन्नर अगर मैं ऐसे ही चेक करूँ तो मेरी यहाँ पे वोल्टेज 12 वोल्ट है। प्रैक्टिकली मेरे पास जो अडप्टर है उसके अंदर 12.4 वोल्ट यहाँ पे है। इस DC सोर्स में मैं अडप्टर यूज़ करूँगा जिसकी वोल्टेज 12.4 है। तो अगर ये हमारा डिवाइडर का फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाएं तो लगभग लगभग आपका यहाँ पे आपको 5.7 वोल्ट ड्रॉप मिलेगी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यहाँ पे आपको 2.7 वोल्ट की ड्रॉप मिलेगी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और क्योंकि LED मैंने ब्राइट LED यूज़ करी है जो कि 4 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, तो इस LED के अक्रॉस 4 वोल्ट आपको ड्रॉप मिलेगा। और इन तीनों को अगर हम हेड करेंगे 5.7, 2.7 और 4.0, तो ये आपका ये 12.4 होता है, यानी कि ये डिवाइडिंग रूल यहाँ पे लग जाता है। वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे जो फार्मूला है वो लग जाता है, वोल्टेज यहाँ पे तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस ड्रॉप होगी, ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी। तो यहाँ पे हमारी वोल्टेज आएगी लगभग 6.7 वोल्ट अगर हम यहाँ पे चेक करें, 4, 2, 6 और ये 0.7, यानी कि 6.7 वोल्ट इस के अक्रॉस हमारी वोल्टेज आएगी, 4 वोल्ट ये और 2.7 वोल्ट ये, तो 6.7 वोल्ट आपके यहाँ मिलेगी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 5 वोल्ट मिले, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जिनर लगा दूंगा 5.1 वोल्ट का मेरे पास है। तो यहाँ पे अगर हम मेजर करेंगे जैसे ही जिनर डायोड लगा के, तो ये 5.1 वोल्ट मिल जाएगी आपको हमारे को यहाँ पे, जो कि पहले 6.7 वोल्ट थी, अब हमारे को 5.1 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे जिनर को मैं यहाँ से हटाऊंगा वापस 6.7 आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जिनर कैसे करता है ये थ्योरेटिकली भी हम समझेंगे, पहले इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों अब ये अरेंजमेंट मैंने बना लिया, यहाँ पे मल्टीमीटर को DC वोल्ट पे कर दिया है। ये आपका जो लीड है ये आपका कॉमन पे जुड़ी हुई है इंटरनली, इस पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैंने रेजिस्टेंस लगाई 470 ओम, उसके बाद जो है 220 ओम की, और ये एक LED लगा दी यहाँ पे। टोटल वोल्टेज कितनी है सबसे पहले वो मेजर कर लेते हैं, 12.4, और अब इसके अक्रॉस कितनी ड्रॉप हुई है वो मेजर कर लेते हैं, लगभग 5.7 220 के अक्रॉस आपका ड्रॉप हुई है लगभग 2.7, क्योंकि ये LED ब्राइट LED है तो इसके अक्रॉस ये 4 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुई है 4 वोल्ट। तो टोटल आपकी जो है ये 12.4 हो गई है। यहाँ पे कितनी आएगी टोटल, अब 4 वोल्ट और 2.7 यानी कि 6.7 वोल्ट। ये देखिए 6.7 वोल्ट आ गई यहाँ पे। अब ये 6.7 वोल्ट आई है यहाँ पे, ये लोड है आपका, लोड के अक्रॉस मैं चाहता हूँ कि लोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिले 5.1 वोल्ट। तो मेरे पास उसके लिए ये 5.1 वोल्ट का जिनर है, इसको मैं रिवर्स लगाऊंगा। ये पॉजिटिव है आपका और ये वाइट वाला नेगेटिव है, मल्टीमीटर से चेक करा देता हूँ। ये नेगेटिव पे लगाया, ये पॉजिटिव पे, सॉरी ये आपका पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, देखिए 12.4, यानी कि ये वाइट वाला नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अब ये जिनर का जो कैथोड है उसको मैं पॉजिटिव की साइड में लगाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे, और नीचे जो है आपका मैं लगा देता हूँ नेगेटिव पे डायरेक्टली, ये देखिए डायरेक्ट नेगेटिव पे लगा देता हूँ, ये लगा दिया मैंने।
तो ये अब हमारा लोड के अक्रॉस लग गया है। अब यहाँ पे जो 6.7 वोल्ट थी वो आपको 5.1 वोल्ट मिलनी चाहिए, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये आपका दिखा रहा है 5.14 यानी कि 5.1 वोल्ट। तो इसका मतलब ये जिन्नर आपका 5.1 वोल्ट का है, इसने बाकी जो 5.1 से 1.6 वोल्ट जो ऊपर थी उसने अपने अक्रॉस ड्रॉप करवा दी है। इन द सेंस मतलब कि यहाँ पे वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई है, इसके अक्रॉस तो 5.1 ही है। वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो थी आपकी वो कहाँ पे ड्रॉप हुई है, वो आपकी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हुई है। जो रेजिस्टेंस हमारा पहले 5.7 दिखा रहा था, अब इसके अक्रॉस आपकी वोल्टेज बढ़ी मिलेगी। ये देखिए 5.7 से जो 1. जो आपकी एक्स्ट्रा जो वोल्टेज थी वो आपकी इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गई है। इसके अक्रॉस भी ड्रॉप नहीं हुई है और आपका जेनर के अक्रॉस भी ड्रॉप नहीं हुई है, सिर्फ जो है आपकी इससे पहले जो रेजिस्टेंस लगी थी जो 5.7 दिखा रही थी, एक्स्ट्रा वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गई है। वो किस वजह से हुई है, क्योंकि जैसे ही जिन्नर ये 5.1 वोल्ट है, 5.1 वोल्ट से जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी इसके कैथोड पे, तो ये जिन्नर आपका कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, अपने अंदर से करंट को ड्रा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही इसके अंदर से करंट जाना शुरू होगा तो यहाँ से करंट बढ़ेगा आपका, जो जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो इसके अंदर से करंट ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है इस जिन्नर के अक्रॉस। तो ज़्यादा जिन्नर के अक्रॉस वोल्टेज करंट जाने से क्या होगा कि यहाँ तो फिक्स वोल्टेज हो जाएगी 5.1, तो आपका रेजिस्टेंस और ये लोड भी फिक्स है और वोल्टेज भी फिक्स है। तो ये एलईडी वाला सेक्शन है, इसके अंदर करंट उतना ही जाएगा, बिल्कुल फिक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे वोल्टेज भी कॉन्स्टेंट है। लेकिन यहाँ से करंट, एक्स्ट्रा करंट यहाँ से ड्रॉ होगा और वो जिन्नर के थ्रू जाएगा, तो यहाँ पर करंट बढ़ता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ से करंट बढ़ेगा और आपका रेजिस्टेंस फिक्स है, तो वहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। तो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो आपकी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी और यहाँ पे आपको 5.1 ही मिलेगा। यहाँ 12 की बजाय अगर 13, 14, 15 वोल्ट भी होगी तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ती चली जाएगी और आपका जिन्नर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 5.1 ही मिलेगी। और एक लिमिट से ज़्यादा अगर हमारा करंट इसके अंदर से जाएगा जिन्नर के अक्रॉस, तो इसके अंदर जो है मान लीजिए 1 वाट का है, तो 1 वाट से ज़्यादा अगर पावर डिसिपेशन इसके अक्रॉस होती है तो ये आपका जिन्नर खराब हो जाएगा। बस सिंपल सा ये है, इसको थ्योरेटिकली भी हम समझ लेते हैं। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपका 5.1 वोल्ट की बजाय अगर मैं 6.7 से ज़्यादा वोल्ट का जिन्नर लगाऊँ तो उसका कोई लॉजिक नहीं है लगाने का। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बिना जिन्नर लगाए हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप था वो आपका 6.7 वोल्ट था। ये देखिए बिना जिन्नर लगाए हमारा ये जो ड्रॉप था ये आपका 6.7 था, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 6.7 था। अगर मैं यहाँ पे 5.1 की बजाय 9 वोल्ट का अगर जिन्नर लगा देता हूँ तब क्या होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने 9.1 वोल्ट का जिन्नर यहाँ लगा दिया है। अब ये जिन्नर लगाने के बाद भी जो 6.7 था वो आपका 6.7 ही है, यानी कि इसके जिन्नर के लगाने से कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं हुआ है। मतलब क्या होगा कि जिन्नर, इसके जो जिन्नर वोल्टेज है 9.1, तो इससे ज़्यादा वोल्टेज होगी तभी ये जो है रिवर्स बायस में कंडक्शन करेगा, उससे पहले ये कोई कंडक्शन नहीं करेगा। इसका लगाना या नहीं लगाना कोई इसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, बजाय कि इसके अंदर मामूली सा जो है बहुत ही कम नेगलेजिबल सा लीकेज करंट बल्कि इधर से इधर फ्लो कर जाता है थोड़ा सा। जैसे कि हमारा जो है अगर हम टेप को बंद कर दें, नल को बंद कर दें, तो नल को बंद करने के बाद भी टपका टपका करके बूंद बूंद करके उसमें से जो निकलता रहता है वो लीकेज करंट होता है, कि हमने पूरा बंद कर दिया तब भी उसके अंदर से एक एक बूंद करके चाहे 10 मिनट में या आधे घंटे में एक बूंद निकल के गिरे वो लीकेज करंट है। तो इस तरीके से मामूली सा लीकेज करंट में भी कि इसके अंदर से फ्लो करता होगा थोड़ा सा, लेकिन वैसे जब तक इसकी जिन्नर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर नहीं आएगी तब तक ये कंडक्शन नहीं करता है। अब 9 वोल्ट के जिन्नर को कैसे चेक करेंगे, मैंने आगे का वो सर्किट हटा दिया है क्योंकि मेरे पास 12 वोल्ट से ज़्यादा की सप्लाई नहीं थी। अगर 24 होती तो हम वहाँ पे चेक कर पाते उसको भी, क्योंकि डिवाइड होके भी वहाँ वोल्टेज 9 वोल्ट से ज़्यादा मिल जाती, लेकिन 12 वोल्ट ही है तो मैंने आगे का जो सर्किट हटा दिया जिससे उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी वो ख़त्म हो गई है। अब इनपुट पर जो है आपकी पूरी पूरी 12.4 वोल्ट है, कुछ जो इसके अक्रॉस ड्रॉप होकर भी 9 वोल्ट से ज़्यादा ही हमें मिलेगी। तो अब हम यहाँ पर अगर जिन्नर के अक्रॉस चेक करेंगे तो आपको 9 वोल्ट या 9.1 वोल्ट के आसपास आपको यहाँ पर मिल जाएगी जिन्नर के अक्रॉस। तो अब हमने इस तरीके से जिन्नर को यहाँ पे 9 वोल्ट को चेक कर लिया है। अगर ये 18 या 20 वोल्ट भी होगी तो ये आपके 9.1 वोल्ट ही यहाँ पे दिखाएगा जितने वोल्ट का आपके पास ये जिन्नर है। तो इस तरीके से जिन्नर को आप चेक कर सकते हैं।
रिवर्स बायस में लगा के पॉजिटिव पे आपका कैथोड लगेगा और नेगेटिव पे आपका एनोड लगेगा। एक रेजिस्टेंस जरूर लगा दें जिससे आपका करंट यहाँ पे लिमिट होता रहे। और अब हम इसको थ्योरेटिकली और डिटेल में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि जिनर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली करता कैसे है रेगुलेशन को। ये मेरे पास कोई डीसी सोर्स है, वेरिएबल डीसी सोर्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरिएबल डीसी सोर्स। ये एक रेजिस्टेंस है सीरीज रेजिस्टेंस और ये आपका लोड है। तो लोड का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो ये मैं कर देता हूँ लोड रेजिस्टेंस, ये सीरीज रेजिस्टेंस और जिनर हम यहाँ पे लगाएंगे लोड के अक्रॉस ताकि हमारे को फिक्स वोल्टेज यहाँ पे मिले, रेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ पे मिले। ये जिनर मैंने लगा दिया, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज को मैं कैपिटल वी से डिनोट करता हूँ, इसके अंदर से जो करंट जाएगा उसको मैं जिनर करंट से डिनोट कर लेता हूँ और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मैं जिनर रेजिस्टेंस से डिनोट कर लेता हूँ। आउटपुट को मैं यहाँ शो करता हूँ वी नोट से, आउटपुट वोल्टेज जो हमारी लोड के अक्रॉस मिलेगी। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जैसे ही जिनर यहाँ पे लगेगा, मान लेते हैं 9 या 10 वोल्ट का जिनर लग गया यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे जिनर लगेगा तो आपकी यहाँ पे वोल्टेज फिक्स हो जाएगी। अब वोल्टेज फिक्स होने से क्या बेनिफिट होगा कि जैसे ही वोल्टेज फिक्स होगी तो क्योंकि हमारा लोड रेजिस्टेंस भी फिक्स है और वोल्टेज भी फिक्स है तो लोड के अंदर से जो करंट जाएगा वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से करंट नहीं बढ़ सकता ना, तो यहाँ वोल्टेज बढ़ रही है ना इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हमारा करंट जो है कांस्टेंट हो जाएगा लोड के अंदर से। एक ये क्लियर हो गया कि हमारा करंट जो है लोड करंट जो है फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ये करता कैसे है यहाँ पे वोल्टेज को रेगुलेट, अब जैसे ही इनपुट वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेगी तो ये रेजिस्टेंस और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो फिक्स है, अब ये क्या करेगा अपने अंदर से कंडक्शन को बढ़ाएगा, यानी कि इसकी कंडक्शन बढ़ेगी। तो जैसे जैसे कंडक्शन बढ़ेगी तो इसके अंदर से करंट आना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, ये अपने अंदर से करंट को अलाउ करता जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी जिनर के अंदर से करंट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। अब आगे फिक्स करंट जा रहा है, जिनर का करंट बढ़ रहा है जिनर के अंदर से, तो ये करंट तो बढ़ेगा ही, सीरीज रेजिस्टेंस जो लगी है उसके अंदर से करंट बढ़ेगा। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, जितनी वोल्टेज यहाँ रखना है उतनी रखेगा, उससे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो करंट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी और यहाँ पे हमारे को 9 या 10 वोल्ट जितने का जिनर है वो उतनी ही मिलेगी। अब कैलकुलेट कैसे होती है, वी नोट यानी कि आउटपुट वोल्टेज वो क्या होती है, अप्लाइड वोल्टेज माइनस ये जो वोल्टेज है आई जेड यानी कि जिनर के अंदर से करंट और जिनर का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होता है। अब इसको आउटपुट वोल्टेज जो है फिक्स रखने के लिए क्या करेगा, ये देखिए मैं कहता हूँ आउटपुट वोल्टेज के लिए, ये अप्लाइड वोल्टेज मान लेते हैं यहाँ पे हमारी है 10 वोल्ट और हमने 9 वोल्ट यहाँ पे रखनी है, अप्लाइड वोल्टेज होगी 10 वोल्ट। मान लेता हूँ कि इंटरनल इसका रेजिस्टेंस से हम कैलकुलेशन के लिए 1 ओम मान लेते हैं, तो करंट भी 1 एम्पियर इसके अंदर से ड्रॉ करेगा, 1 एम्पियर इंटू 1 ओम 10 माइनस 1 यानी कि आपका ये 9 वोल्ट यहाँ पे हो गया है, ये 9 वोल्ट का जिनर है। अब क्या हुआ कि 10 वोल्ट की बजाय हमारी अप्लाइड वोल्टेज जो है 15 वोल्ट हो गई। अब क्या करेगा, ये अप्लाइड वोल्टेज कितनी हो गई 15 वोल्ट, ये 9 वोल्ट अपनी आउटपुट वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज कितनी होगी 15 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1 ओम ही है, तो करंट कितना अंदर से ड्रॉ करे ताकि ये आपका 9 वोल्ट रहे, तो कितना हो जाएगा 6, 6 एम्पियर इस जिनर के अंदर से ये अलाउ करेगा। जैसे ही 6 एम्पियर ये अलाउ करेगा तो 6 इंटू 1 6 हो गया, 15 में से 6 गया 9, यानी कि 9 वोल्ट यहाँ पे रेगुलेट रखने के लिए इसके अंदर से ये अलाउ करेगा कि 6 एम्पीयर करंट ड्रॉ करे, यानी कि करंट बढ़ता जाएगा। 9 वोल्ट यहाँ रखे उसके लिए ये इसके अंदर से करंट को अलाउ करता रहेगा, करंट बढ़ता जाएगा और वो करंट किस पे डिपेंड करेगा, अप्लाइड वोल्टेज पे। ये मैंने एक थ्योरेटिकली कैलकुलेशन के बताया है, 6 एम्पीयर में ये हो सकता है जिनर खराब ही हो जाए, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये मिली एम्पीयर इसके अंदर होता है। तो क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस आपकी फिक्स हो गई है, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ते ही इसके अंदर से करंट बढ़ता जाएगा, पहले 1 एम्पीयर था फिर 15 वोल्ट होते ही 6 एम्पीयर आना शुरू हो जाएगा, 20 वोल्ट आएगी तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट माइनस, अब इसको 9 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ओम तो फिक्स है आपका, 9 रखने के लिए 11 इंटू 1 यानी कि 9 वोल्ट रखने के लिए अगर 20 वोल्ट अप्लाइड है तो इसको अलाउ करना पड़ेगा 11 एम्पीयर, यानी कि 11 एम्पीयर इसके अंदर से जाना शुरू हो जाएगा, सिर्फ इसके अंदर से करंट जो है बढ़ता जाएगा, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा, करंट ये बढ़ता जाएगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा और यहाँ पे 9 वोल्ट आपको 20 माइनस 11 करेंगे तो आपका 9 वोल्ट आपका यहाँ पे मेंटेन रहेगा।
ये इसका प्रिंसिपल है, जिस तरीके से ये आपका काम करता है, ये कैलकुलेशन के लिए है, समझाने के लिए है। वैसे ये मिली एम्पीयर के अंदर ही इसके अंदर से करंट ड्रॉ होता है, तो इस तरीके से ये जो है आपका, अगर ज़्यादा वाटेज का हो तो उसके अंदर ज़्यादा भी करंट फ्लो कर देते हैं, तो इस तरीके से ये जीनर डायोड आपका वर्क करता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर भी करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।